बच्चों एक दो मिनट के लेट आए उसके लिए सॉरी। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। बच्चों आज का जो सेशन है उसमें एक आपको खास स्मार्टनेस से पहचान करानी है, बतानी है, दिखानी है, दिमाग में बैठानी है, समझानी है, कुल मिला के सिखलानी है। और उसको आप सीख गए तो आप फिर एग्जाम अपना जे एडवांस का 2021 में दो कि 22 में दो कि 23 में दो कि आगे कभी भी दो, आप कोई से भी कैटेगरी में हो, भले आपके कैटेगरी जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी, कोई से भी हो, कट ऑफ कुछ भी जाता हो, आपका विश्वास हो जाएगा कि आप उनका सिलेक्शन पक्का है, अपने को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, पक्की बात है। इसलिए आज के सेशन में टाइम कुछ भी लग सकता है, लेकिन जब टाइम के साथ सेशन पूरा होगा तो आपको विश्वास हो जाएगा, मैं आपको रिटर्न में बोलूंगा आपका सिलेक्शन पक्का, एक आईटी में सीट आपकी इंतजार कर रही है। ऐसे और बता दूं, जब से आईटी हो रही है, एक खास बात स्मार्टनेस की देखें, जब से आईटी हो रही है उस समय पहले टॉप 70% से ऊपर होता, कट ऑफ 30% 28% ऐसा होता था, आईटी कम थी, आईटी 6 आईटी थी, आईटी बढ़ती गई, आज आपकी 23 आईटी हो गई, सालों के साल आईटी बढ़ती गई, सीट की संख्या बढ़ती गई, टॉपर के हिसाब से टॉप परसेंटेज बढ़ता गया, लेकिन कट ऑफ भी नीचे उतरता चला गया। अरे मुस्कुराओ बच्चों मेरे यार, कट ऑफ ऐसा हो गया, आपको ताजुब होगा, आपको लगेगा यार मैं तो ऐसे बोल सकता हूं, प्रूफ कर सकता हूं कि आपके नीट के कंपेयर में आईटी जे एडवांस में सबसे आसान है सिलेक्शन, आईटी को हवा नहीं पौवा मानोगे एडवांस के हिसाब से, बस अगर आपने अपने लिए जेई मेंस के हिसाब से अपना हॉल टिकट चेंज करके जे एडवांस का बना लिया तो आपको लगेगा कितनी भी सीट हो मेरी एक सीट पक्की हो गई। कोई भी आपका पेपर के हिसाब से आपका जो जेई एडवांस का सिलेबस है, अगर आपने उसको आधा सिलेबस कवर किया हो, 1/3 किया हो कि 1/4 क्यों नहीं किया हो, तो भी आपको ये विश्वास हो जाएगा मेरे लिए काउंसलिंग में मुझे बुलाया जाएगा, कोई भी कैटेगरी के हो। यहां तक मैं इतना कह रहा हूं, आप पेपर कुछ भी अटेम्प्ट करो, आपका अटेम्प्ट से मतलब नहीं, स्कोर ऐसा प्रोड्यूस होना चाहिए कि जो भी कट ऑफ जाता है या अभी तक गया है आप उसके ऊपर होंगे हमेशा, अपनी कैटेगरी में जो भी आपका कट ऑफ उससे भी ऊपर होंगे। हो सकता है आपका परसेंटेज कट ऑफ के हिसाब से इतना बढ़ जाए कि आईटी वालों को आईटी की संख्या बढ़ानी पड़ जाए या सीट की संख्या बढ़ानी पड़ जाए। बड़ा एक्साइटेड हूं मैं आज इस बात को लेकर, ताकि आईटी आपको लगे नीट से भी आसान है। अरे नीट का भी एग्जाम हुआ, नीट मतलब ये हो गया कि अगर आपका 600 के ऊपर स्कोर नहीं आउट ऑफ 720 तो लगता है यार 10,000 रैंक आएगी कि नहीं आएगी। मुझे बच्चों ने बोला कि सर आप नीट के हिसाब से कट ऑफ का एक वीडियो सेशन बनाइए, मैं अभी हल्की सी बात बोल देता हूं, इस बार जो टॉप होने वाला है वो लगभग 716 पे हो रहा है, अभी तक जो डेटा 12 सितंबर से लेके आज आपका 23 सितंबर है, लगभग 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक पूरे देश का एनालिसिस करके मालूम पड़ा है कि 716 अभी मैक्सिमम स्कोर बन रहा है, वो भी आपका एलएन का बन रहा है, और 715 पे 9 बच्चे हैं, यानी 715 पे टॉप 10 खत्म हो जाएगा इस बार, 720 में 715 पे टॉप 10 खत्म हो जाएगा नीट के अंदर, जो बच्चे अगर इसमें जुड़ गए नीट के वो समझ लें, बाकी मैं आगे अलग से सेशन बनाऊंगा, लेकिन ये पक्की बात है इस बार 601 नोट कर लो, 601 पे 10,000 रैंक आ जाएगी, नंबर बोल दिया 601, मैं भी यही हूं आप भी यही हूं देख लेना। अब वापस आ जाओ आईटी के लिए, बच्चों आईटी के हिसाब से अब कट ऑफ कितना कम हो गया आप देखोगे, और आप जब देखोगे कि इसके हम 3 साल का डेटा निकालें तो लगेगा यार सिलेक्शन तो पक्का है, आप बन जाओगे आज से स्मार्ट, जैसे आपके अंदर उस दिमाग में स्मार्टनेस बैठ गई या आपने दिमाग के हिसाब से साथ साथ स्मार्टनेस को सीख लिया, आपको यह लगेगा आप अभी जहां पर भी तैयारी कर रहे हो 2021 में आपको जो एडवांस देना हो कि 22 में कि 23 में कि 24 में कहीं देना हो, आपको लगेगा मैंने एक स्कोर टेस्ट दिया, एक मॉक टेस्ट दिया, एक मैंने कोई भी टेस्ट दिया, एक बार सेलेक्ट हो गया आईटी में, फिर एक बार सेलेक्ट हो गया, फिर एक बार सेलेक्ट हो गया, आप परफेक्ट हो जाओगे सेलेक्ट होने के, जिस दिन आईटी होगी उस दिन को फोड़ के आओगे, कुछ छोड़ के नहीं आओगे, जो आपको आता है उसमें कुछ छोड़ के नहीं आओगे। मैं यहां कह रहा हूं फोड़ने का मतलब जितना आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप स्कोर प्रोड्यूस करोगे, ये पक्की बात है, ये हमारा है बेस्ट एफिशिएंट अपनी अदालत में। मैं यहां तक इतना कह रहा हूं बच्चों, मान लो अगर आईटी में किसी ने 94% टॉप किया, अगर बच्चों से बात करता हूं टॉपर बच्चों से, वो बोलता सर 3% और ज्यादा आ सकते थे, मेरा 97 पे टॉप होता, रियल उसकी अदालत में वो 97% पे टॉप कहलाता ऑल इंडिया टॉपर, जबकि उसने 94 पे किया है। यानी हर का ये जो आपका पेपर के हिसाब से पोटेंशियल क्या है, आप उसके हिसाब से परसेंटेज अधिकार में क्या रखते हैं, लेकिन आपने कितना प्रोड्यूस किया उसका जो डिफरेंस है, जो लॉस है, उसी को मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने के लिए वो बात एकेडमिक होगी, वो अलग स्मार्टनेस है, लेकिन आज मैं पहले बात कर रहा हूं आईटी को, जब देखो कितना आसान है आईटी। अरे यार मजाक की बात कर रहा हूं, आईटी बहुत आसान है, आपने आईटी तैयारी क्यों करी? अरे तैयारी नहीं करी, लेकिन स्मार्टनेस के हिसाब से बोला आज स्मार्ट बन गए सर हम, और कहते हैं स्मार्ट लोग सफल होते हैं। अभी भी कह सकते हो स्मार्ट लोग दूसरे अलग नहीं होते, उनकी सोच अलग होती है। स्मार्ट लोग कोई काम जीत के हिसाब से अलग नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं, इसलिए कहते हैं स्मार्ट वर्क का रोल है बच्चों। तो स्मार्ट होने के लिए तैयार हो जाइए, समय लग सकता है 15 मिनट 20 मिनट कुछ भी, लेकिन यह पक्की बात है क्लास भी हो जाए, लेकिन यह पक्की बात है कि आपकी सीट पक्की हो जाएगी। और दोस्ती करते हो, मिलाते हो हाथ, सच्ची मोची कि झूठी? पक्की बात। और अगर अच्छा लगे तो आगे जुड़ते हुए अपन साथ साथ चलेंगे, मेरा जो भी चैनल YouTube चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेना, और आगे आपको ये लगेगा कि जैसे मैंने मेडिकल बच्चों से बोला है आओ चलो
कईयों को साथ लेके चले, कईयों से मिलने चले, चलो मेडिकल कॉलेज चले। ऐसे बच्चों आपसे भी कह रहा हूँ, आओ कईयों को साथ लेके चले, कईयों से मिलने चले, आओ बच्चों आईआईटी कॉलेज चले। ठीक है साहब, जरा देखें कितना आसान आईआईटी है। पहले से स्मार्टनेस समझना, कट ऑफ क्या जाता है आईआईटी का। अगर मैं लास्ट टाइम 2020 की बात करूं, जो कि कोरोना टाइम था, लास्ट टाइम तो बोर्ड एग्जाम भी हुआ था, इस बार तो बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ, तो इस बार तो आपका कोरोना टाइम के हिसाब से वापस कट ऑफ लगभग वही रहेगा और नीचे होगा। आप बोल सर ये कट ऑफ है क्या है? अब ये भी जानते हैं आईटी के अंदर आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको हर सब्जेक्ट का एक इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, और उसके बाद आपको एग्रीगेट भी कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। चलिए एक नजर जरा देखते हैं, हो सकता है आपको लगे सर मैं तो वहां दिख रहा हूं, आपको जैसे मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट, आपको लगेगा सर यहां तो आप अपने आप को देख रहे होंगे। जरा देखिए, ये है साहब, अभी हमने पिछले 3 साल के जो बच्चों के अपने अपने अलग अलग ग्रुप हैं, जनरल बच्चे ज्यादा होते हैं, इसलिए हमने इसके अंदर 100 के हिसाब से इसको रैंक यहां पे अरेंज किया है। जो आपका ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा बच्चे कम होते हैं, तो 50 के हिसाब से ऐसे ओबीसी, ऐसे एससी, ऐसे एसटी। जरा देखो अपने आप को यहां महसूस कर रहे होंगे, आपने अपने इस जेई एडवांस के लिए अगर अपना हॉल टिकट तैयार कर लिया है, अभी 3 अक्टूबर की बात हो, आगे कोई से भी साल की बात हो, आपको लग रहा है कि आपके एक सीट से मुलाकात होना पक्का हो गया है। आप देखिए जरा क्या कट ऑफ जाता है। अब तो 23 आईटी है, पहले तो आपकी आईटी कुछ खास ही थी, 6 आईटी बढ़ती जा रही है, संख्या सीट की बढ़ती जा रही है, लेकिन कट ऑफ नीचे उतरता जा रहा है। लास्ट टाइम जरा देखिए जनरल के अंदर 15,000 रैंक में ये 3 साल का कट ऑफ क्या चल रहा था, 25 से 30%। जरा सोचिए अगर आपने 1/3 भी कवर कर लिया, यानी 33% कवर कर लिया, टाइम तो 3 घंटे पूरे मिलेंगे ना, 2 शो मान के चलना, 9 से 12, 2 से 5, और 9 से 12, 2 से 5 बीच में 2 घंटे का गैप, उसे पढ़ाई नहीं करनी, मस्त हो रहा है, रिलैक्स होना है, कुल मिला के हो गए कितने 8 घंटे। आपको बस बायोलॉजिकल क्लॉक को स्मार्टनेस से वो रखना है, वो बाद में बात करेंगे, पहले इस चार्ट को देखिए। हर जन आपने वो देखी जिस कैटेगरी का, जनरल का हो कि ईडब्ल्यूएस का हो कि ओबीसी का हो कि एससी का हो कि एसटी का हो, जरा देखिए 2 मिनट 1 मिनट अपने आप को कहां महसूस कर रहे हैं। टॉप परसेंटेज कुछ भी हो, अरे ये एग्जाम कट ऑफ के हिसाब से देखिए, आपका इंडिविजुअल अपना प्रिपरेशन कैसा भी हो, आपको मालूम है आपका मिरर क्या है, आपने कितना तैयारी आईटी के नीट के हिसाब से, सब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से पढ़ाई करी है, जे एडवांस मतलब आईटी, वो आपने अगर सपना देखा और उसके साथ सब्जेक्ट को वैसे पढ़ रहे हो, और अगर आप मेंस के बाद 2.5 लाख में सेलेक्ट होकर पहुंच चुके हो, भले अभी इस बार 2021 में दे रहे हो कि 2022 में दे रहे हो, जो बच्चे 2022 में 23 में जब भी देंगे, तैयारी जहां भी कर रहे हैं, आज से इस डेटा को दिमाग में बिठा लो, ये स्मार्टनेस साफ दिख रही कट ऑफ कितना हमारा क्या चलता है। 15,000 रैंक पर 25 से 30%, अभी हमने नीट की बात करी थी, 10,000 रैंक पर 30 से 36%, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूं, यानी कि एक तरह से कॉमन जो रैंक लिस्ट होती उसकी बात। आपको मालूम है नीट में क्या बोला था, 601 इस बार, लास्ट टाइम 618 गया था, 601 आपका इस बार नीट के हिसाब से 10,000 रैंक, और उसके बाद रैंक का मतलब ही नहीं होता है। यहां आपके 15,000 रैंक पर 25 से 30%, ये 3 साल में जो रही उसको हमने एक रेंज बना दिया, ताकि पेपर, अब आप आज से नहीं बोलो पेपर टफ है कि टफनेस क्या है, हटा सावन की घड़ा, भाड़ में जाए दुनिया, अपन बजा हारमोनिया, क्योंकि अपनी एक सीट पक्की होगी, अपन का सिलेक्शन पक्का होगी, ये आपका विश्वास हो जाएगा। जरा देखिए अपना ईडब्ल्यूएस है वो देख लीजिए, ओबीसी देख लीजिए, अरे मैं तो कहता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज से अपने आपको यहां देखिए, महसूस करिए, समय के हिसाब से जब दुनिया को तारीख बतानी अलग बात है, लेकिन आज से आपको लग जाएगा कि मेरा सिलेक्शन पक्का हो गया है, 2021 में देना हो कि 2022 में देना हो कि 2023 में देना हो, ये स्मार्टनेस सीखो बच्चों। आप कितना अटेम करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, आपने स्कोर प्रोड्यूस ऐसा किया 3 घंटे में 2 पेपर आपको करने, 2 शो आपको निपटाने हैं, लेकिन आपका स्कोर जो आपके अपने कैटेगरी है उसमें जिस रेंज में आप रैंक देख रहे हो उसके हिसाब से कट ऑफ को आराम से क्रॉस कर जाओगे। यहां रैंक मत देखो, आप तो सोचो आप किस रेंज में चल रहे हो, आपका कट ऑफ जो होगा उसके ऊपर आपका परसेंटेज प्रोड्यूस होगा। एकेडमिक में हमको क्या स्मार्टनेस सीखनी है, क्योंकि वो डिफरेंट पैटर्न है, वो अलग बात है, लेकिन जरा देखिए ये 3 साल का ऐसा था। अगर इसके बाद हल्का सा मैं आगे बढ़ूं, 2020 जो कि आपका कोरोना टाइम था, उसमें ध्यान से देखना, पेपर आपका था 396 मार्क्स का, टॉपर में जो हुआ, जरा देखिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ क्या था और एग्रीगेट कट ऑफ क्या था। ये वो है क्राइटेरिया जिसके अंदर आपको रैंक लिस्ट में लेना है। आपको मालूम है यहां पे 2 तरह कट ऑफ होते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ भी होता है और एग्रीगेट कट ऑफ भी होता है। पेपर टोटल मार्क्स मैक्सिमम था पेपर के साथ 396, हर पेपर 198 और हर सब्जेक्ट का टोटल 132, 132, 132, ये पेपर का। अब जरा देखिए
जरा उस समय हमारी अलग अलग कैटेगरी में रैंक लिस्ट के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ किया गया और हमारा एग्रीगेट कट ऑफ किया गया। अरे बच्चों देखो, हंसो मुस्कुराओ, अरे दबंग बन जाओ, क्या है कट ऑफ जरा सोचिए। अगर आपने 1/4 सिलेबस कवर किया तो भी आप आराम से क्लियर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी, और बाकी तो मैं क्या बोलूं, नीचे तक उतरो तो अलग अलग कैटेगरी में ये आपका कॉमन है, ओबीसी है, जनरल है, एससी एसटी। अरे यार क्या है यार, एग्जाम है क्या है अभी समय नहीं वाले दोस्तों, ये कट ऑफ जाता है क्या? आपको लगेगा अपन का सिलेक्शन पक्का से स्मार्ट हो गए अपन। इस चार्ट को चाट जाओ बच्चों, इस चार्ट को चाट जाओ, पढ़ाई से पहले ये चार्ट चाट जाओ, आपको लगेगा सिलेक्शन पक्का है। अब जिसको विश्वास हो रहा है साथ साथ लिखो स्मार्ट हो गए, तो पक्का आपका जब भी आपको आईटी एडवांस देना है आपका उस समय एक सीट पक्की हो गई है। जिसको विश्वास हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखना चालू कर दो कि सर 2021 हो कि 2022 हो कि 2023 हो, आज आपने इसका रियल पिक्चर दिखा दिया, इसकी इमेज दिखा दिया, वास्तव में आईटी है क्या? लोगों ने इसका हुआ बना रखा, तो पहुआ है या हुआ नहीं पहुआ है, समझे हुआ? जरा देखो ठोको आईटी को लपक के, कोई भी आपका परसेंटेज हो सोचना मत, कट ऑफ क्लियर अपने आप हो जाएगा। इसलिए आज से दिमाग से क्या कट ऑफ जाता है भूल जाओ, शट ऑफ। कोई बोले कट ऑफ, घर पर जाके बोलना ये इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ निकाल के दे देना। कोई आपको बताए कट ऑफ उसको मूर्ख मानना, जो पूछे वो मूर्ख और जो बता दे वो महामूर्ख, क्योंकि हमारे को दिख रहा है कट ऑफ गए क्या। इतने समय से आईटी हो रही है, अब तो हमारा कट ऑफ नीचे उतरता जा रहा है और सीट बढ़ती जा रही है। आईटी 23 संख्या में पहुंच गई, सीट वाली कितनी हो गई? और हम देखें तो जरा देखिए जनरल का कट ऑफ एग्रीगेट 17.5% लास्ट टाइम जिसका 2020 में जो एडवांस बना था जनरल कैटेगरी कॉमन रैंक लिस्ट में, उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, और उसका सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ क्या है 5%। इसका भी जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संभाल के रखना। अरे जहां पढ़ाई कर रहे हो अपने घर में, जो आपका स्टडी रूम है उसमें जो आपके पढ़ने की टेबल कुर्सी है उसके सामने की दीवार पे दोनों को लगा लेना, जिससे पहले वाला स्क्रीन पे था वो भी, और ये भी लगा लेना। जो बच्चे इस समय अगर मान लो कहीं स्कोर टेस्ट दे रहे हो, कोई तैयारी कर रहे हो, कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो सकता है समय नहीं देख रहे हो, जब भी इसको देखे तो समझ जाना कि कट ऑफ के हिसाब से आपका जहां पर भी लेवल है आज से मान के चलना मेरा सिलेक्शन पक्का है। खुद से खुद का बस मुकाबला करना ताकि और परसेंटेज बढ़ाए। कट ऑफ तो बिल्कुल आराम से क्लियर कर चुके हो जो भी आपका अपना कैटेगरी है, लेकिन बस इसके आगे हम और अच्छा आईटी क्या कर सकते हैं वो देखो, क्योंकि 23 आईटी हैं। आपके मन में आना चाहिए मैं अकेले जान कहां कहां जाऊं, 23 आईटी इतनी सीट, मुझे इसमें बेस्ट आईटी जो हो सकती है उसके हिसाब से ऊपर आती जाऊं, ताकि आगे के सफर में यह लगे कि मुझे बस अपने लिए जो बेस्ट आईटी उससे स्टार्ट करना है। जाना पक्का है क्योंकि कट ऑफ दिख रहा है, बुलाना पक्का है, एक सीट आपके लिए पुकार के साथ इंतजार कर रही है, लाइन क्लियर। सो फेस शुड बी चीयर, आज से मानो आईटी को डियर, वन इज कम नियर फेस शुड बी चीयर बिकॉज लाइन इज क्लियर, एक सीट आपका इंतजार कर रही है। कितना आसान है यार आईटी गजब। जरा देखिए लास्ट टाइम जो आपके टॉपर थे वो क्या थे, लास्ट टाइम साहब 2020 के हिसाब से चिराग फ्लोर 352 मेल टॉपर बॉय टॉपर, और कनिष्का मित्तल 315 गर्ल्स टॉपर। टॉपर भी कुछ भी हो, 90 प्लस हो, 94 95 कुछ भी हो, मैं तो उससे पूछता हूं उसको भी वास्तव में अपनी अदालत में टॉपर कब है। आज जिस बच्चे के लिए बात कर रहा हूं 716 का नीट की बात करूं, आपको ताज्जुब होगा बच्चों, एक बच्चा है मुंबई से, अभी नाम नहीं बता रहा हूं, उसके 715 बन रहे हैं, लेकिन उसको आज फील हो रहा है उसने कि स्मार्टनेस सब्जेक्ट के हिसाब से छोड़ दी, उसने एक क्वेश्चन रिओप्टिस गलत कर दिया। हमको नॉर्मल वालों में जब भी प्लेन मिरर देखते हैं हम रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज क्या होती है वर्चुअल, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए तो इमेज क्या बन जाती है रियल। उसने इस बात का ध्यान केवल यह सोचा कि हम लाइफ में देख रहे हैं और कर दिया, और चार ऑप्शन में वर्चुअल इमेज पर टिक कर दिया, जबकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इमेज क्या होगी रियल, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी। उसने पूरे क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन फिजिक्स में गलत कर दिया, उसके 715 बन रहे हैं। एक बच्चा है उसके 716 बन रहे हैं कि उसने क्वेश्चन छोड़ दिया था। अब बताओ ज्यादा अच्छा कौन था, नॉलेज के हिसाब से अटेम्प्ट करने के हिसाब से जिसने पूरे किए थे, लेकिन उसने एक स्मार्टनेस सब्जेक्ट के देखते हुए जो हम लाइफ में सोचते हैं, हम जब सामने खड़े तो रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज अंदर बन रही है वर्चुअल है, हम उसको स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं कर सकते आप जानते हो फिजिक्स में, लेकिन जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए तो इमेज क्या होती है रियल। तो चार ऑप्शन में से आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो सकता था, ये हम आगे और बात करेंगे। अगला सेशन तो फिर अलग होगा, एकेडमिक के अंदाज में होगा, जहां पर मैं आपको
मैदाने आईआईटी एडवांस की जंग में उतरने के लिए जो अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर पाते उसका ब्रह्मास्त्र दूंगा। आपको लगेगा यार सिलेक्शन तो आराम से है, लेकिन हमारा पढ़ाई के हिसाब से जो पढ़ा हुआ सिलेबस है, सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ टॉपिक है, उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आउट ऑफ सिलेबस आ जाए उसमें भी कंटेंट दे दे वो अलग बात होगी। जैसे मैं आपको मालूम पैराग्राफ क्वेश्चन होते हैं वहां पर, ये मैं अगले सेशन में बात करूंगा, अभी इतनी सी बात कर रहा हूं। ये स्मार्टनेस कितनी आसान है, आज तो पक्का हो गया बच्चों। अब आप आराम से इसको लेके रिलैक्स होकर अपने जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो स्कोर टेस्ट दे रहे हो, अभी जिनको 2021 में 3 अक्टूबर को जय एडवांस देना है उनका पक्का हो जाना चाहिए। वह 8 घंटे मस्ती से अपने को पिक्चर के हिसाब से 2 शो पिक्चर देख के आनी है, 9 से 12 और 2 से 5। अब कोई आँच नहीं आएगी, जांच ढंग से कर ली हमने। पिक्चर देखने जा रहे हो इसलिए 9 से 12 पेपर कुछ भी हो गया अब, लेकिन ध्यान कुछ नहीं आ रहा क्योंकि दूसरी पिक्चर में पूरा मन लगाना है हमको। एक पिक्चर दूसरी पिक्चर से कब टोटल कट ऑफ कर पाओगे, जब टोटल पहले वाले से अपने को इतना कट ऑफ कर लो कि पिक्चर का नाम ही भूल जाओ। स्टोरी गाने वाने हीरो हीरोइन तो बहुत दूर की बात है, अगर आप पहले पिक्चर को पूरा भूल जाओ तो 2 घंटे में आपको करना क्या है, 9 से 12 पहला पेपर दिया हटा 7 घंटा जो हो गया हो गया। अब आराम से 12 से 2 के अंदर रिलैक्स ही अपने थकान वकान दूर करी, थोड़ा सा जो मौसम के हिसाब से हम ले सकते हैं वो लिया, ताकि एनर्जी के साथ से फ्यूल हमारे को अपने को स्टेमिना बना के रखे। आराम से डीप ब्रीथिंग करी, ये तो मैं आपको और कह रहा हूं, पेपर जो आपका 3 घंटे का है, आपका जितना भी आपको अटेम्प्ट के हिसाब से आता है आपको उसको नंबर पूरे लाने, आपका जो कैपिटल आपका कह दीजिए एक तरह से जो पोटेंशियल है प्रिपरेशन है पेपर में, वो परसेंटेज जो है वही आपको प्रोड्यूस करनी, हमको लॉस को मिनिमम करना है। अगर आपको पेपर 75% का है तो 74+ बनना चाहिए, 1% से ज्यादा एरर नहीं होनी चाहिए, 1% के अंदर एरर होनी चाहिए, और सब पॉसिबल है, एवरीथिंग पॉसिबल, हर चीज मुमकिन है, वो आपका अंदाज होना चाहिए। इसलिए पहला पेपर हो गया हो गया, दूसरे में आराम से रिलैक्स होकर अपने को डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, कूल ब्रीथिंग कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ हल्का पुल्का ले रहे हैं और वापस अगले पिक्चर का तैयार हो रहे हैं, जहां 2 से 5 हमारी नई पिक्चर है, नया उसका टाइटल है, नया उसका हेडिंग है, नई उसकी स्टोरी है, ताकि हम उसको भी अपना बेस्ट करें, वहां पूरा डूब जाए, वहां उसके हो जाए, तो वो पेपर भी आपका हो जाएगा, पिक्चर भी आपकी हो जाएगी। तो बच्चों अभी इतनी बात कर रहे हैं, अगले सेशन में और बात करेंगे। अब इतना सा है कि आपके ये जे एडवांस में खास बात और है जिसमें एकेडमिक रूप से मुझे आपसे ज्यादा बात करनी है, और वो आपकी है कि आपके डिफरेंट पैटर्न में आपकी अलग अलग स्मार्टनेस होनी चाहिए। सिंगल आंसर क्वेश्चन हो या मैच द कॉलम हो या इंटीजर टाइप सेक्शन में क्वेश्चन हो या फिर आपका पैराग्राफ क्वेश्चन हो या फिर आपका मल्टीपल आंसर सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो, हर में ऐसी स्मार्टनेस बताऊंगा कि आपको लगेगा कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, अगर पढ़े हुए टॉपिक का क्वेश्चन आ गया, चैलेंज के साथ कहता हूं, और आपने अगर वास्तव में जो एडवांस के हिसाब से जो नीट है उसकी, जो उसकी वास्तव में नीट है, नीड उसके हिसाब से सब्जेक्ट नेचर को पढ़ा है, क्रैमिंग नहीं करी है, रटाफिक्शन नहीं किया है, खुद क्वेश्चन से लड़ने की आदत डेवलप करी है, मैं कहता हूं क्वेश्चन कम करो तो भी गम ना करो, लेकिन जो करो अपने दम पे करो, इस बात का हमेशा दम भरो, और जिस बात का हमेशा दम भरते हैं वो फाइटर हमेशा आईआईटी सेलेक्ट होकर अपने आईआईटी कॉलेज पहुंचते हैं। वो अगर नीचे से कर रहा होगा तो अगला जो सेशन में 27 को लूंगा उसमें आपकी बात अलग तरीके होगी। आज इतना ही, समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बोलूंगा टाइम कंसेप्ट के हिसाब से, बस पास्ट हैज गॉन, आज आपको लिस्ट दिख रही है, मत बोलना फ्यूचर इज अननोन, दिस कंसेप्ट ऑफ टाइम हमेशा लाइफ में याद रखना, पास्ट हैज गॉन, फ्यूचर इज नोन, मुझे मालूम है कि मेरे को आईटी में एक सीट इंतजार कर रही है, एंड प्रेजेंट इज योर ओन, सो शो मस्ट गो ऑन। Wish you all the best.